हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं डिले यानी एको बैंड लैब की एप्लीकेशन में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आप कैसे रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं। दो तीन रिवर्ब के प्लगइन हैं, सबको एक्सप्लेन किया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है प्लस वाला आइकन, इस पर टैप करना है आपको और इन टैब्स को देखना है ध्यान से। यहाँ पे कहीं डिले दिख रहा है आपको, यह डिले, इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आप देखेंगे तीन चार प्लगइन्स हैं। पहला है डी डिले, दूसरा है डी डिले प्लस, तीसरा है फिल्टर एको, तीसरा है पिंग पॉन्ग डिले। एक एक करके सबको समझेंगे, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं रेंडम मोनो यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला है डी डिले, इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही इसने अपना काम शुरू कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग हर्ट्ज में दी हुई है। मुझे इसका ये हर्ट्ज का पैमाना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार वो हो रहा है रिपीट, ये मतलब होता है हर्ट्ज का। अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है, मैं 2.6 करता हूँ तो इसका मतलब ये कि एक सेकेंड में 2.6 बार एको की फीडबैक आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह पूरा एक सेकेंड का डिले है, तो ये इसमें गड़बड़ है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। खैर, ये है डिले टाइम और ये है फीडबैक यानी कि रिपीट्स। ये है हाई पास। मैंने बताया था फिल्टर्स के बारे में, हाई पास क्या होता है। इसे आप जितना पीछे रखेंगे उतनी ही बेस के फ्रिक्वेंसीज भी आती जाएंगी। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिखाई देगी, ये जो भी वैल्यू होगी उसके पीछे की फ्रिक्वेंसीज काट दी जाएंगी। अब ये 50 हर्ट्ज पे है, इसका मतलब ये है कि 50 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है वो अभी नहीं आ रही है, ठीक है। और जैसे आप इसे आगे लेते जाएंगे, अभी देखिए मैंने 1200 हर्ट्ज पे कर दिया है, तो मतलब ये है कि पीछे की जो बेस वाली साउंड्स है वो अभी नहीं आ रही है और सुनने में भी ये फ़र्क महसूस हो रहा है, ठीक है। ये काम है इसका। अगला जो दिख रहा है ये है लो पास। हाई पास का एग्जैक्ट उल्टा, जितना नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके आगे की फ्रिक्वेंसीज कट जाएंगी और पीछे की फ्रिक्वेंसीज बाकी रहेंगी, इसीलिए जितना हम पीछे लेते जाते हैं उतना ट्रिबल कटता जाता है। चेक, अभी ट्रिबल बहुत ज़्यादा कट गया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे लेते जाते हैं वहाँ पे ट्रिबल बढ़ता जाता है। चेक, आपको फर्क महसूस हो रहा होगा अभी, तो ये डिफरेंस है और ये काम है इसका। और हाई पास को अगर हम बिल्कुल 50 हर्ट्ज करते हैं, इसको फुल करते हैं, तो हमें एक रियल इको वाली फील आनी शुरू हो जाती है। ओके, ये है ड्राई लेवल यानी आपकी मेन वॉइस कितनी ज्यादा आएगी। और ये जो दिख रहा है ये है वेट लेवल यानी इको का वॉल्यूम कितना ज्यादा आएगा। चेक, उसको कम करें। तो ये काम है इसका। और ये है ओवरऑल वॉल्यूम, इको और आपकी वॉइस मिला के कितना वॉल्यूम आपको बाहर चाहिए इस प्लगइन के, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। चेक। तो ये काम है इसका। एक ट्रायल लेते। चेक, अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदम, अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदम, अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा, अल्लाह 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 अल्लाह। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी इसको चेंज करते हैं और अभी लेते हैं अपना अगला डिले जो कि है डी डिले प्लस।
और यहाँ पे देखेंगे डिले टाइम आपको मिल जाती है बीट्स की टाइमिंग पे, साथ ही में यहाँ पे जो बीट लिखा हुआ है इस पे टैप करने पे ये टाइमिंग बदल जाती है माइक्रो सेकंड्स, सॉरी मिलीसेकंड्स, चेक लेकिन इसके भी मिलीसेकंड का पैमाना गड़बड़ है, मतलब ये कि एक सेकंड में जितने मिलीसेकंड्स होने चाहिए उतने नहीं है। ऐसे मैं चेक करवाता हूँ, अब ये 1600 मिलीसेकंड्स में, 1600 मिलीसेकंड का मतलब ये होता है कि लगभग 1.5 सेकंड की रिपीट, चेक, लेकिन ये तो 1 सेकंड के भी नहीं है, मतलब ये पैमाना भी गड़बड़ है। लेकिन इसे अगर आप फुल कर दें फिर ये सही काम करेगा। जैसे अभी ये 2600 पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप पीछे आते हैं पैमाना गड़बड़, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वापस माइक्रो सेकंड पे टैप करेंगे ये आपके टेम्पो के हिसाब से पकड़ना शुरू करेगा, चेक चेक। सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए। इसका डबल करने के लिए इसको आप बढ़ा दें, फुल कर दें, फिर के गली गली तबा। तो ये है ओवरऑल डिले टाइम, ये है रिपीट्स, और ये है हाई पास फिल्टर, जैसा कि पिछले प्लगइन में बताया था, और ये है लो पास फिल्टर सेम जैसे पिछले में था। ड्राई और वेट सेम मिलेंगे आपको, वॉल्यूम भी सेम मिलेगा। यहाँ पे एक चीज है जो कि है स्प्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया तो प्लीज अब लगा लीजिए क्योंकि अब काम आ गया है। अगर आप इसे जीरो कर दें तो आपको बिल्कुल एक मोनो डिले सुनाई देगा, मतलब बिल्कुल आपके दोनों कानों के बीच में एको सुनाई देगा। लेकिन अगर आप इसे फुल कर दें अब ऐसा लगेगा एको फैला हुआ है, थोड़ा लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, फैल गया है, बिखर गया है, बहुत थोड़ा सा। तो वो अगर आपने ईयरफोन लगाए तो अभी आप डिफरेंस सुन पाएंगे। और अगर मैं स्प्रेड बढ़ाऊं, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अभी तो समझ में आ गया होगा ये क्या करता है। तो इस सिंपल से कंट्रोल से इसमें खाली स्प्रेड ही अलग था, बाकी टाइमिंग इसकी मैंने थोड़ी चेक करवाई, सेकंड में टाइमिंग इसकी थोड़ी गड़बड़ है, तो इसको हम हटा लेते हैं। फिर यहाँ से प्लस पर टैप करके नए इफेक्ट लोड करते हैं, और अगला इफेक्ट है अपना फिल्टर इको। बहुत सिंपल, मुझे यही अच्छा लगता है। चेक चेक, आते ही अपना काम शुरू कर दिया। पहला जो स्लाइडर ये दिख रहा है ये है मिक्स का, इसे जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इको उतना ज्यादा आएगा। अगर आप इसे 50 कर दें तो 50% आपकी वॉइस, इसे 25-30 के अराउंड में रखता हूं। और ये है टाइम, वही डिले टाइम, अभी ये टेम्पो के हिसाब से चल रहा है, टेम्पो के हिसाब से। लेकिन जैसे यहां पे आप बीट पे टैप करेंगे वापस ये माइक्रो सेकंड में चला जाएगा, चेक चेक। और बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं कि इसका माइक्रो सेकंड का पैमाना बिल्कुल सही है, चेक चेक। क्यों कहूं ये अता, ऑलराइट, इसका पैमाना बहुत सही है, इसका पैमाना बहुत सही है। नीचे फिर वही फीडबैक मिलता है, यानी रिपीट्स मिलता है, यानी रिपीट्स मिलता है, यानी रिपीट्स मिलता है। यहां पे एक चीज नई मिलती है, वो है ये है, ये है कट ऑफ, ये एक्चुअल में लो पास फिल्टर है। यहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वही फ्रीक्वेंसीज और उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज सुनाई दे रही है, उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसीज कट चुकी हैं, चेक। अभी सिर्फ 300 हर्ट्ज के नीचे की इको की साउंड आपको सुनाई दे रही है, चेक। और इसे अगर फुल कर दें तो इको आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। जीरो कर दें, चेक चेक चेक।
आप समझ आप गए समझ गए होंगे। होंगे। तो तो और इसमें और कुछ इसमें भी कुछ नहीं था, भी नहीं बहुत था, बहुत सिंपल। सिंपल। अगला प्लगइन मोस्ट फेवरेट पिंग पोंग डिले, इसको लोड करते हैं। अब इसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ईयरफोन्स की, तो बराए करम लगा लीजिए। और ये है और ये मिक्स, है वही मिक्स कि आपको वही कि इको का आपको वॉल्यूम इको का कितना वॉल्यूम चाहिए कितना अपनी चाहिए वॉइस अपनी में। वॉइस में अपनी वॉइस में अपनी वॉइस में चेक 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 आपके ईयरफोन में एक बार रिपीट लेफ्ट में जाएगी, एक बार सेंटर में रहेगी, दूसरी बार राइट में आएगी। ये इसका कमाल है, स्टीरियो डिले है एक टाइप का। और यहाँ पे और दो यहाँ पे डिले आप मिल दो जाते डिले हैं दो आपको, डिले एक है लेफ्ट डिले जिसमें आप लेफ्ट साइड का डिले कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिले टाइमिंग अलग अलग होती है। यह है लेफ्ट डिले, यहाँ पे आप लेफ्ट चैनल की डिले की सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे टैप करके आप माइक्रो सेकंड्स में भी ले सकते हैं। चेक। और यह है राइट डिले, चेक। तो एक एक रिपीट सभी आपको सुनाई दे रही है। तो दोनों को बराबर रखना होता है ताकि बीच में गैप बिल्कुल बराबर आए। कुछ स्पेशल केसेस में दोनों को थोड़ा सा अलग रखा जाता है, जैसे अगर आपको स्लैप बैक डिले बनाना हो। और उसके बाद यहाँ पे फीडबैक्स मिल जाते हैं, बहुत सिंपल रिपीट्स। और यहाँ पे कट ऑफ, वही चीज़ है कट ऑफ की फ्रिक्वेंसीज को जितना पीछे लेते जाएंगे उतनी आगे की फ्रिक्वेंसीज कटती जाएंगी। अभी आप सुन सकते हैं कि सिर्फ 300 हर्ट्ज के नीचे के साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं, 300 हर्ट्ज। जैसे 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 मैं इसे बढ़ाऊंगा आवाज खुलती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। ठीक है। और यह है स्प्रेड, इसका काम यह है कि इको आपकी कितनी ज्यादा लेफ्ट में और राइट में मूव कर रही है उसको कंट्रोल करना। इसे जितना ज्यादा कम रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके इको कम फैलेगी और बिल्कुल बीच में सुनाई देगी। सुने, स्प्रेड जीरो कर दिया है, तो अभी इको लेफ्ट और राइट ईयर में बहुत कम अलग अलग हो रही है, बिल्कुल सेंटर में सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे मैं इसे फुल कर दूं, अब इकोज लेफ्ट और राइट में बट गई है। चेक। आई होप आप समझ गए होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। अगले पार्ट में हम देखेंगे एक सिंपल नाथ की वोकल कैसे एडिट करते हैं। मज़ा आया तो वीडियो को मजा लाइक आया तो ज़रूर वीडियो को करना। लाइक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।